हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जुम जुम वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो ये है भात का प्रोग्राम, भात भी कह सकते हैं, मेहंदी भी कह सकते हैं। अच्छा, काफ़ी सारे लोग ये पूछेंगे कि भात क्या होता है, तो मैं बता देती हूँ कि शादी से एक दिन पहले जो मतलब माएँ होती हैं, यानी कि हमारी सासू माँ हैं, इनके मायके से जो भी गिफ्ट्स आते हैं उन सबको कहते हैं भात। तो ये मम्मी के भैया हैं, मम्मी के माशाल्लाह से तीन भाई हैं, तो तीनों ही कुछ ना कुछ लेकर आए हैं। तो बस ये भात का प्रोग्राम होता है, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम होता है, बहुत इमोशनल भी होता है, काफ़ी सारी मतलब अच्छी चीज़ें इसमें होती हैं। और मम्मी की शक्ल देख के मुझे याद आ रहा है कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने मम्मी पापा की बहुत तारीफ़ करी है, कि मतलब मेरे मम्मी पापा रॉक स्टार हैं। तो हाँ जी, बिल्कुल मेरे मम्मी पापा रॉक स्टार हैं। मेरी मम्मी भी बहुत सुंदर लग रही थी माशाल्लाह से, पापा भी बहुत सुंदर लग रहे थे, और कहने वाले तो ये भी कह रहे थे कि मेरे पापा मेरे हस्बैंड के बड़े भाई लग रहे थे। तो जी हाँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा इन दोनों को नज़र ना लगे। और काफ़ी लोग ये भी कह रहे थे कि आप बहुत लकी हो, इतना प्यार करने वाला आपको परिवार मिला है। तो कहा हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर सबसे छोटी खाला हैं ये मेरी, और ये मतलब छोटी हैं तो कुछ शरारत कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया ये क्या कह रही थी, मुझे नहीं समझ में आया। और बस यहाँ पर ये मुँह मीठे की रस्म चल रही है, और इस तरह से ये मम्मी की सबसे बड़ी वाली बहन है, तो बस यहाँ पर इनको भी तोहफे दिए जा रहे हैं। ऐसा होता है कि खाली जैसे मम्मी या उनके परिवार के लिए ही नहीं, मम्मी के पूरे परिवार के लिए, सबके लिए तोहफे आते हैं। और यहाँ पर ये पीछे खड़े होकर देख रहे हैं सब नज़ारे। तो ये मम्मी के लिए कपड़े आए हैं, तो मम्मी को सर पे दुपट्टा उड़ा रहे हैं। ये एक मान होता है, एक बहन का मान होता है। तो पहले तो मैं सोच रही थी कि आप लोग इसे मतलब म्यूज़िक के साथ इन्जॉय कीजिएगा, लेकिन फिर मैंने कहा चलो थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर इंडिया के बाहर से भी हैं, तो उनको भी चीज़ें समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको पता चलना चाहिए कि क्या क्या हम लोग के यहाँ रस्में होती हैं, रीति रिवाज होते हैं। तो अच्छा, मेरे पास ये कमेंट इतने आ रहे हैं कि आप खुद को क्यों नहीं दिखा रही हो, खुद को क्यों छुपा रही हो। तो डियर, मैं छुपा नहीं रही, बस ये है कि ये सारे प्रोग्राम शादी से पहले के हैं, और मैंने पहले ही आपको वीडियो क्लिप में बता दिया था जो मैंने सबसे पहले शेयर की थी कि भाई ये सारी जो वीडियो है मेरे हस्बैंड की तरफ से है, तो इसमें मेरा तो कोई काम ही नहीं है ना। अभी तो मैं ससुराल में आई ही नहीं हूँ, अभी ये मुझे लेने आए नहीं हैं। तो जब भाई हमें लेने आएंगे बरातियों के साथ, तो हम भी अपना मुखड़ा तभी दिखाएंगे आप लोगों को भी। हालाँकि मैंने फ़ोटोग्राफ्स वगैरह शेयर किए हुए हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग न्यू हैं, तो उनको मुझे देखने की बहुत ज़्यादा तमन्ना है। और तो बस वो भी दिखाया जाएगा, अभी ये फंक्शन हो रहा है, तो अभी आप लोग ये देख लीजिए। तो यहाँ पर पापा के लिए भी कपड़े आए हैं, और ये जो पापा को मुंह मीठा करा रही हैं, पापा की सलेज हैं, यानी कि मामा की मामी है ये हमारी। तो बस इस तरह से सब लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, और यही मोमेंट होते हैं जो खुशियाँ देते हैं। और है ही क्या, सिंपल तरीके से देखो चीज़ें करो तो उसमें वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं, और इस तरह से करो तो अच्छा लगता है हर मोमेंट। ये मम्मी के बड़े भैया के बड़े बेटे हैं, तो बस इस तरह से ये सारे इस तरह जो खड़े हैं दरवाजे के बाहर वो सारे मायके वाले हैं, और मम्मी के जो पीछे खड़े हैं वो सब बहनें हैं और बहनों की बेटियाँ हैं। तो इस तरह से चीज़ें मतलब होती हैं कि भाई भतीजे लेकर आते हैं, और बहनें और बच्चे, तो वो सब चीज़ें लेते हैं। तो बस यहाँ पर अब ये प्रोग्राम, अच्छा दूसरे वाले जो भैया हैं, एक भैया मतलब कपड़े लेकर आए थे, दूसरे वाले भैया ने सबको प्लेट्स दी। तो इसमें क्या होता है ना, रिश्तेदारों के बड़े मज़े आ जाते हैं कि कपड़े भी मिल रहे हैं, बर्तन भी मिल रहे हैं, तो ऐसे ऐसे करके चीज़ें हो जाती हैं। तो अच्छा भी होता है, बाकी सबके लिए भी अच्छा होता है। तो इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि इसमें ना बहुत अच्छा भात का सॉन्ग था, बट वो मुझे डिलीट करना पड़ा। आप लोगों को पता है कॉपीराइट का इशू हो जाता है, तो इसलिए मुझे अभी डिलीट करना पड़ा है। और मैंने आप लोगों को पहले भी बोल रखा है कि मैं पूरी की पूरी शादी की वीडियो एज इट इज़ डाल दूंगी सबसे लास्ट में, बस मैं यहाँ पर छोटी छोटी क्लिप्स आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और इसमें मैं आपको बता भी सकती हूँ ना कि कौन कौन क्या क्या है, तो बस इसीलिए आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी अगर आपको पूरी शादी देखने का मन है, जो कि बहुत सारे लोगों को है, कुछ तो मतलब इतना प्यार करते हैं, वो ये कहते हैं कि हमें एक सीन भी नहीं मिस करना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, तो उसके लिए तो बहुत बहुत मतलब शुक्रिया भी वर्ड बहुत ज़्यादा कम है। तो बस यहाँ पर ये इन लोगों का देन लेन चल रहा है, फिर एक भैया ग्लास लेकर आए थे, तो मतलब ऐसे ऐसे चीज़ें जो जो जैसा जैसा लेकर आया था, तो ये सब पड़ोसी मतलब पड़ोसियों तक के लिए भी चीज़ें लेकर आए थे। तो मतलब वाइफ जो हैं उनके लिए ग्लास हैं, और जो उनके हस्बैंड हैं उनके लिए जो सर पे बांधते हैं ना क्या कहते हैं उसे, स्वापी, वो है। तो इस तरह से जोड़े से हर चीज़ दी जा रही है।
यहाँ पर मेहंदी का प्रोग्राम चल रहा है और ये मेरी जो सबसे छोटी खाला है ये इन्हें कोई दुआ दे के जा रही है, तो यहाँ पर सभी हंस जाएंगे, मुझे नहीं पता क्या इन्होंने दुआ दिया, तो ये भी थोड़े से शर्मा गए और बाकी सबको तो कुछ ज़्यादा मज़ा आ गया। अब तो खैर किसी को याद भी नहीं होगा खाला पता नहीं क्या कह रही है, कुछ अच्छा ही कह रही होंगी। तो यहाँ पर इनके हाथों में लग रही है मेरे नाम की मेहंदी और मेरे हाथों में लग रही है उस तरफ दिल्ली में इनके नाम की मेहंदी। तो बस अब आप लोग डांस इन्जॉय कीजिए।